माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है मेरी बहू। मगर ये क्या शहजाद, ऐसे कोई शादी होती है? ना कोई रौनक मेला, ना कोई ढोल ढमका, ना मेहंदी, ना काजल, ना कोई बनाओ सिंगार। जा रहा हूं मैं, और अब उस वक्त लौटूंगा जब हमें अपनी खुशी पूरी करने के लिए अब्बू की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहिल, मुझ पे रहम करो। कहां जाओगे तुम, क्या करोगे? मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, लेकिन अभी और बंदिशें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक है ना, आप पैसे शहजाद को दे दें, वो और साले आ जाएंगे, अपनी पसंद का जहेज ले आएंगे। आपकी तबीयत तो ठीक, क्या आप बार बार कैश का जिक्र कर रहे? शहजाद ने अपने घर का सामान लेना है तो कैश मैं क्यों दूं? हेलो आलिया बेटा। आंटी, तुम रो रही हो? नहीं तो आंटी, मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हारे और राहिल के प्यार को मरने नहीं दूंगी। By the way, आपके वालिद कौन थे? मेरा मतलब है कि क्या करते थे? वो सिर्फ अम्मी से मोहब्बत करते थे। इसी सखावत का नतीजा है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है आपको, और आज तो आपने बहुत खरीदारी कर ली। बहुत ही लालची मगर है बेवकूफ, इन्हें क्या वालों में थेला भी खर्च नहीं हुआ। मेरा कार्ड वैसे ही खाली हो गया, पता नहीं बिल कितना बनता है। प्लीज शहजाद, मैंने क्या ही शॉपिंग की है, सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें खरीदी थी, ड्रेसेस, शूज, मेकअप और एक ही बेडरूम का सेट। बाकी सारी चीजें तो आपकी अम्मी और बहन ने खरीदी थी, और वो भी ब्रांडेड मोबाइल फोन, ब्रांडेड ड्रेसेस, सब कुछ ब्रांडेड। वो देखिए, वो आगे दानी आदमी की फैमिली। फातिमा, नहीं तो तुम गाड़ी में बैठो। क्यों हवा, आप उनसे मिले ना? फातिमा बोल रहा हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। अबू, देख। चलो गाड़ी में। अम्मू, क्या दानियाल वलीद का सगा बेटा है? और अगर ऐसा है तो मैं फातिमा की शादी दानियाल से कैसे करवा सकता हूं? या अल्लाह, ये किस इम्तिहान में डालती है मुझे, क्या करूं? वो दानियाल एक्चुअली ना, अचानक से अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो इसलिए। हाँ मगर वो तो ठीक है, मगर अगर एक लम्हे के लिए वो रुक के हमसे मिल लेते तो हमारे आगे कितने मराहिल आसान हो जाते। बहुत बदतमीज हो तुम, मेरा तुमसे जो भी रिश्ता है वो तो तुम भूल गई, लेकिन ये मत भूलो कि मैं मेहमान हूँ। हाँ भूल गए सब, बस इतना याद है कि आप मेहमान बलाए जान है। बात कुछ और है, आपने तो बच्चों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, अपनी जिंदगी अपने सारे फैसले उनके हाथों में दे रखे थे, फिर आपका राफेल पे ये तशद्दुद, उसकी वजह कुछ और है।